धरती माँ, मैंने अपनी उत्पत्ति के बाद से अपनी धरा पर कई बदलते युगों व उन युगों में अवतरित हुए अवतारों को देखा है। जब जब इस पृथ्वी पर पाप, अत्याचार व अधर्म बढ़ा है, तब तब किसी न किसी महान आत्मा ने निर्दोष प्राणियों की रक्षा व जग कल्याण के लिए अवतार लिया है। आज मैं आपको जिस अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, उसके बलिदान, समर्पण, त्याग व शक्ति के आगे बड़े बड़े योद्धा नतमस्तक हुए और आज वो समस्त संसार के लिए पूजनीय हैं। आज मैं आपको पांडव कुल में जन्मे व अति शक्तिशाली राक्षस राज घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरिक के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनको हम वर्तमान में खाटू श्याम जी के नाम से पूजते हैं। उनके जन्म, बलिदान वे खाटू धाम में प्रकट होने की समस्त घटनाएं बहुत ही अद्भुत वे रोचक हैं। अब सोचने का विषय ये है कि पांडव कुल और राक्षस प्रजाति का क्या संबंध, परंतु सत्य यही है। इसके लिए हमें बर्बरिक के जन्म से पहले उनके पिता घटोत्कच के जन्म के विषय में जानना होगा, तभी ये गुत्थी सुलझ सकती है। बात उस समय की है जब पांचों पांडव माता कुंती के साथ लाक्षाग्रह के जलाए जाने के पश्चात कुछ समय के लिए राजपाट छोड़कर ब्राह्मणों के वेश में निर्वासितों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस प्रकार वो चलते चलते काम्य वन के घोर जंगलों में पहुंच जाते हैं। और वहीं विश्राम करने हेतु अपना पड़ाव डालते हैं। उसी काम्य वन में बहुत शक्तिशाली नरभक्षी राक्षस हिडिंब वे उसकी बहन हिडिंबा रहते थे। हिडिंब राक्षस को मानव मांस बहुत प्रिय था और उसे बहुत दूर से ही मानव की सुगंध आ जाती थी। मानव और मेरे क्षेत्र में बहुत दिन हो गए किसी मनुष्य का मांस खाए, उसका रक्त पिए। हिडिंबा, मेरी बहन, कहाँ हो तुम? हिडिंबा, हिडिंबा, हमारे सामने उपस्थित हो, उपस्थित हो हिडिंबा। कहाँ हो मेरी बहन, कहाँ हो? उपस्थित हो हिडिंबा, उपस्थित हो। हा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 
हिडिंब के चरणों में हिडिंबा का प्रणाम। प्रणाम। आओ हिडिंबा, आज हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न है हिडिंबा। भ्राताश्री, क्या मैं आपकी प्रसन्नता का कारण जान सकती हूँ? मनुष्य, मनुष्य मेरी बहन, मनुष्य। मनुष्य? हाँ, मनुष्य। हमारे क्षेत्र में मनुष्य आ गए हैं। हमें उनकी गंध आ रही है हिडिंबा, गंध। एक अरसा बीत गया, हमें मानव मांस खाए, उनका रक्त पिए। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। अतः हिडिंबा, तुम जाओ और सभी मानवों को जीवित ही उठाकर यहां ले आओ। हम उन्हें जीवित ही निगल जाएंगे। हम उन्हें जीवित ही निगल जाएंगे। जाओ जाओ। जैसी आपकी आज्ञा भ्राता हिडिंब। आपकी ये बहन हिडिंबा उन मनुष्यों को अभी ढूंढ कर आपके सामने प्रस्तुत करती है। हमें जाने की आज्ञा दे भैया। जाओ, आज्ञा है। आज्ञा है, आज्ञा है, आज्ञा है। क्या बलशाली सुंदर पुरुष है। ऐसा लगता है मानो कामदेव
स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हों। मैं तो इसको देखकर सुध बुध भूल रही हूँ। मेरा मन इस वीर पुरुष के प्रति आसक्त होता जा रहा है। क्या सोचने लग गई हिडिंबा? क्या तुम ये भी भूल गई कि तुम किस कार्य हेतु यहाँ आए हो? हाँ, मुझे अच्छी तरह ज्ञात है, लेकिन मैं वो कार्य नहीं करूंगी। नहीं करोगी? क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं? अगर तुम्हारे भ्राता हिडिंब को ये पता चला तो वो तुम्हें कदापि जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस कामी पुरुष के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ। मैं नहीं डरती भ्राता हिडिंब से। मैं तो इससे विवाह करना चाहती हूँ। क्या तुमने अपनी सूरत कभी दर्पण में देखी है हिडिंबा? नहीं ना, तुम तो ये भी भूल गई कि तुम राक्षसी हो। कितनी बदसूरत हो, कहाँ वो सुंदर बलशाली पुरुष? हाँ, क्या तुम तो सत्य कह रही हो? हाँ हिडिंबा, अगर तुम इस रूप में इस मानव के सामने गई तो विवाह करना तो दूर, ये तो तुमसे डर कर ही भाग जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। इसका तो एक ही उपाय है हिडिंबा, तुम इस मानव को सुंदर स्त्री का भेष धारण कर अपने प्रेम जाल में फंसाओ। सुंदर स्त्री का भेष? हाँ हिडिंबा, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अपने शरीर को किसी भी रूप में प्रवर्तित कर सकती हो। इसलिए तुम एक सुंदर स्त्री का भेष बनाकर इसे अपनी ओर आकर्षित करो। तुम्हारा कहना सत्य है, अब तो यही एकमात्र उपाय है। मैं एक सुंदर स्त्री का भेष धारण करती हूँ और इस मानव को कभी अपना असली रूप नहीं दिखाऊंगी।
हे सुंदरी ठहरो, तनिक ठहरो सुंदरी। आपकी इस मधुवाणी और इससे भी कहीं बढ़कर आपके रूप सुंदरी ने हमारे मन को विचलित कर दिया है। कृपया आप हमें अपना परिचय दीजिए। मैं अपना परिचय देने से पहले आपका परिचय जानना चाहूंगी कुमार। मैं पांडु पुत्र भीमसेन हूँ।
और आपके रूप सौंदर्य पे इतना मंत्रमुग्ध हूं। और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। बिना हमसे हमारा परिचय पूछे ही? तुम्हारे इस रूप सौंदर्य को देखकर तो स्वर्ग की अप्सराएं भी लज्जित हो जाए। हाँ। और मेरे विचार से आप जैसी सुंदर नारी का सुंदरता ही एकमात्र परिचय होना चाहिए। नहीं राजकुमार, सुंदरता तो इस तन का मात्र बाहरी आवरण होता है, और मेरे विचार से आप जिस पांडव कुल से संबंध रखते हैं, वह विवाह के समय स्त्री की सुंदरता के साथ उसके धर्म, कुल वे जाति को भी देखा जाता है। और आपने हमसे बिना हमारा परिचय जाने ही विवाह का प्रस्ताव रख दिया, ये आपके क्षत्रिय कुल की परंपराओं के विरुद्ध है कुंती पुत्र। हमें अपनी कुल की परंपराओं का अच्छी तरह ज्ञान है सुंदरी, और हम क्षत्रिय अपने वचनों को प्राण देकर भी निभाते हैं। आप चाहे जिस भी वंश, कुल व जाति से संबंध रखती हो, किंतु विवाह के बाद तुम पांडव कुल की पुत्रवधू हो। हमें आपके अतीत से कोई रुचि नहीं है। लेकिन राजकुमार, कभी कभी इंसान का अतीत उसके वर्तमान और भविष्य दोनों को अंधकार में डुबो देता है, और मैं ये कदापि नहीं चाहूंगी कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना घटित हो। हे सुंदरी, तो आप हमें अपना परिचय दें, आप किस कुल से संबंध रखती हैं? हे राजकुमार, मेरा संबंध राक्षस कुल से है। क्या? हाँ, राक्षस कुल से, और मेरा नाम हिडिंबा है, और इस समय मैं आपके सामने अपना भेष बदलकर उपस्थित हुई हूँ। क्या? हाँ, इस काम्य वन वे हिडिंब देश के क्षेत्र में मेरे बड़े भाई राक्षस राज हिडिंब का अधिकार है। वह बड़ा ही शक्तिशाली, नरभक्षी वे क्रूर राक्षस है। इस क्षेत्र में बहुत दूर दूर तक उनका आतंक है। उनके भय से कोई भी मनुष्य इस जंगल से नहीं गुजरता, और जो कोई मनुष्य अनजाने में यह रास्ता भटक कर इस जंगल में प्रवेश कर जाता है, तो मेरा भाई हिडिंब बड़ी ही क्रूरता से उसे मार कर खा जाता है, क्योंकि उसे मानव मांस बहुत पसंद है। ऐसे दुष्ट, अधर्मी और पापी को तुम अपना भाई कहती हो? ऐसे नीच का तो तुमने स्वयं ही गला दबा देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती राजकुमार। परंतु क्यों? क्योंकि एक तो भ्राता हिडिंब कोई साधारण राक्षस नहीं, वह बहुत ही शक्तिशाली वे मायावी है, और दूसरे वो मेरे बड़े भाई हैं, और यही नहीं राजकुमार, उन्होंने मुझे ये आदेश दिया था कि मैं आपको पकड़कर उनके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि वो आपको खाकर अपनी भूख शांत कर सकें। तो आपको अपने भ्राता की आज्ञा का पालन करना चाहिए हिडिंबा। नहीं नहीं, मैं अपने मन से आपको अपना स्वामी मान चुकी हूं, और एक पतिव्रता नारी अपने सुहाग की रक्षा करती है, उसकी बलि नहीं चढ़ाती। अतः आप यथाशीघ्र मेरे साथ चलिए, मैं आपको किसी गुप्त स्थान पर लेकर चलती हूँ,
क्योंकि मेरे भ्राता हिडिंब किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं और वो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। अभी तक आई क्यों नहीं? लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। हिडिंबा, तुम्हें शायद कुंती पुत्र भीमसेन की शक्ति का पता नहीं। बड़े बड़े योद्धाओं में इतना साहस नहीं कि वो मेरी गदा के एक प्रहार का सामना कर सके। यदि तुम्हारा भाई यहां आया तो मैं उसे ऐसी मृत्यु दूंगा जो किसी राक्षस को नहीं मिली होगी। लेकिन आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें, वो बहुत हिडिंबा। हाँ भैया, तनिक भी लज्जा नहीं आई जो अपना भेष बदलकर साधारण मानव से प्रेम कर रही हो? क्या तुम्हारे हृदय से तुम्हारे भ्राता हिडिंब का भय खत्म हो गया? नहीं भ्राता हिडिंब, ये साधारण मानव नहीं बल्कि हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु के पुत्र भीमसेन है। भीमसेन और भ्राता हिडिंब, मैं मन ही मन इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ और इनसे विवाह करना चाहती हूँ। हिडिंबा, बेशर्म निर्लज्ज, क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि तुम राक्षस कुल से हो? महाशक्तिशाली राक्षस हिडिंब की बहन होकर तुम एक साधारण से दुष्ट मानव को अपना पति मानती हो? मैं तुम्हारा रक्त पी जाऊंगा हिडिंबा। भैया, हिडिंबा, भैया,
तुम्हारा रक्त पी जाऊंगा। नहीं भैया। हिडिंबा भैया, तुम्हारा रक्त पी जाऊंगा। लगता है रक्त पीने का तुम्हें ज्यादा ही चाव है दुष्ट हिडिंब। आज तक तुमने जितने भी मानव का रक्त पिया है दुष्ट, तुम्हें मारकर ये कुंती पुत्र भीम उन सब का हिसाब चुकता करेगा। साधारण सा मानव राक्षस राज हिडिंब को चुनौती देता है। राक्षस राज हिडिंब को। हिडिंबा को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तुझे मारकर तेरे दुष्कर्मों का फल दूंगा। Ha 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 ha
Ah!
इस दुष्ट को इसके पापों का दंड मिल गया। चलो हिडिंबा, चलो मैं तुम्हें अपनी माता कुंती और भाइयों से मिलवाता हूं। चलो। हिडिंबा, क्या हुआ? क्या हुआ हिडिंबा? इस पापी और अधर्मी पर आंसू क्यों बहा रही है? राजकुमार, भाई कितना ही दुष्ट पापी अधर्मी हो, लेकिन उसकी मृत्यु पर दुख तो होता ही है। भ्राता हिडिंब को मैंने बहुत समझाया था, लेकिन इन्होंने अधर्म के मार्ग को नहीं त्यागा, जिसका परिणाम आज ये हुआ। धैर्य रखो हिडिंबा, इस संसार में जो भी अच्छा या बुरा होता है वो उस परम पिता परमात्मा की इच्छा से होता है। हम तो मात्र उनके इशारों पर चलने वाली कहानी के पात्र हैं, केवल पात्र। आपका कथन सत्य है राजकुमार, मैं इनके मृत शरीर का दाह संस्कार करती हूं। चलो हिडिंबा, मैं माँ हूं, धरती माँ। तो इस प्रकार हिडिंबा अपने भ्राता हिडिंब का दाह संस्कार कर पांडव पुत्र भीमसेन के साथ माता कुंती वे उनके शीर्ष भाइयों से मिलने चल देती है। हिडिंबा के हृदय में अपने भ्राता हिडिंब की मृत्यु का दुख था, लेकिन उससे कहीं अधिक प्रसन्नता उसे भीमसेन जैसे वीर को अपने पति रूप में प्राप्त होने से थी। और जब जीवन में अपेक्षाओं से कहीं अधिक खुशी प्राप्त होती है तो अन्य सभी दुखों का अंत स्वयं ही हो जाता है, और यही हिडिंबा के साथ भी हुआ। भीमसेन को प्राप्त कर लेने की खुशी ने उसे भ्राता हिडिंब की मृत्यु के दुख को भुला दिया, लेकिन हिडिंबा के मन में अब कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे इस बात को लेकर संशय था कि कहीं उसकी राक्षस कुल में होने के कारण माता कुंती उसे पुत्र वधु के रूप में स्वीकार न करे, किंतु उनकी ये चिंता व्यर्थ निकली। जब भीमसेन ने हिडिंबा का परिचय माता कुंती वे भाइयों को दिया तथा अपने साथ घटित सारी घटना का व्याख्यान किया और हिडिंबा के साथ
अपने विवाह की इच्छा माता कुंती को बतलाई तो वो बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने दोनों का गंधर्व विवाह विधिवत रूप से संपन्न कराया। प्रणाम माता। सदा सुखी रहो पुत्री। सदा सुहागन रहो। प्रणाम भ्राता युधिष्ठिर। चिरंजीवी भव प्रिय अनुज भीम, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। संसार की हर खुशी तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो। अनुज भीम सुखमय हो। माता, आज मेरा जीवन धन्य हुआ जो आपने मुझ राक्षस कुल में पैदा हुई स्त्री को स्वीकार किया, जिससे मुझे पांडव कुल की पुत्र वधु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सचमुच माता, आप बहुत महान हैं। नहीं पुत्री, महान तो तुम हो जो राक्षस कुल में पैदा होकर भी इतनी संस्कारी हो। तुम जैसी सुंदर सुशील व गुणी पुत्र वधु पाकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया। और भैया भीम, आपका? मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार माता कुंती ने हिडिंबा को अपनी पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी कि भीमसेन केवल पुत्र प्राप्ति तक ही हिडिंबा के साथ हिडिंब देश रहेगा। हिडिंबा ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तथा सभी से आज्ञा लेकर हिडिंबा भीमसेन को अपने साथ आकाश मार्ग से हिडिंब देश ले गई। खुशी खुशी रहने लगे। ठीक 9 माह पश्चात देव योग से हिडिंबा ने एक सुंदर वे अति शक्तिशाली पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच में कई प्रकार की दैवीय शक्तियां जन्म से ही थी। हिडिंबा वे भीमसेन इतने वीर पुत्र को पाकर अति प्रसन्न थे। कुछ समय संग रहने के पश्चात भीमसेन वापस माता कुंती वे अपने भाइयों के पास वापस लौट गए। हिडिंबा बहुत दुखी मन से ये सोच रही थी
कि न जाने अब उनकी पुनः अपने स्वामी से कब भेंट होगी। लेकिन ये संयोग काफी वर्षों पश्चात हुआ, परंतु परिस्थितियां लगभग एक समान थी। दोनों ही बार पांडव गांधार नरेश मामा शकुनी के छल कपट का शिकार हुए। पहले पांडव लाक्षक ग्रह के जलाए जाने से सुरंग मार्ग से काम्य वन पहुंचे थे और अब वो जुए में दुर्योधन से अपना समस्त राजपाट हार चुके थे। बदले में उन्हें 12 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास भी मिला। परंतु इस बार माता कुंती उनके संग नहीं थी, बल्कि द्रौपदी यानी पांचाली उनके साथ थी। उधर बालक घटोत्कच भी अब युवा हो चुका था और उनकी भेंट अपने पिताश्री भीमसेन से होने वाली थी। पिताश्री, हस्तिनापुर के महाराज ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते हैं। हाँ भैया, देखो ना हमारी कितनी सेवा की और कितने ही तरह के पकवान खिलाकर हमें ढेर सारी दान दक्षिणा दी। क्यों पिताश्री, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पुत्र, मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने मुख से एक भी शब्द मत निकालो और शीघ्रता से इस भयंकर जंगल से बाहर निकलो। परंतु क्यों पिताश्री? क्योंकि पुत्र, इस जंगल में असंख्य शक्तिशाली मायावी राक्षस रहते हैं। अगर किसी ने हमारी आवाज सुन ली तो हम सब मारे जाएंगे, इसीलिए चुपचाप चलो। जी पिताश्री। ठहरो,
जी, हमें क्षमा कर दो, हम पर दया करो, हमें जाने दो। हमें क्षमा कर दो, हम पर दया करो, हमें जाने दो। तुम चारों में से कोई एक हमारे साथ चलो। परंतु क्यों राक्षस राज? क्यों? मेरी माता यहां समीप ही तपस्या कर रही है और उन्हें देवी को प्रसन्न करने के लिए एक इंसान की बलि देनी है, इसलिए तुम में से कोई एक हमारे साथ चलो। हे राक्षस राज, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम मेरे पुत्रों को जाने दो। तो ठीक है, चलो। नहीं पिताश्री, नहीं पिताश्री, पिताश्री, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? और माताश्री तो आपके बिना जीवित नहीं बचेंगी, इसलिए पिताश्री मैं बलि के लिए इस राक्षस के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं मेरे भाइयों में सबसे बड़ा हूं। अतः पिताश्री मुझे अनुमति दें। नहीं नहीं पुत्र, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो मेरे प्राण हो, मेरे सबसे प्रिय हो। अगर तुम चले गए तो मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रहूंगा। नहीं रहूंगा पुत्र, नहीं रहूंगा पुत्र, तुम नहीं जा सकते पुत्र, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक है पिताश्री, मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें, और वैसे भी मैं भाइयों में सबसे छोटा हूं, इसलिए मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने बड़े भाइयों की रक्षा करूं। मुझे आज्ञा दे पिताश्री, मुझे आज्ञा दे। नहीं पुत्र, तुम तो बहुत छोटे हो और तुम अपनी माता के प्रिय भी हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी माता तो पल भर में ही अपने प्राण त्याग देगी। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं पुत्र, नहीं। हे ब्राह्मणों, तुम शीघ्र निर्णय करो कि कौन मेरे साथ चलेगा, वरना तुम सभी मारे जाओगे। हे राक्षस राज, निर्णय हो गया है। बड़ा पुत्र पिताश्री का प्यारा होता है और छोटा पुत्र माताश्री का। मैं मंझला हूं, इसलिए मैं किसी का प्रिय नहीं। मैं आपके साथ चलता हूं। ठहरो। का बन के सहारा करने जगत उजियारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए
अमीरी और निर्धन ने है जब जब इसको पुकारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए निर्बल पे विपदा आई, कर दी है उसी की सहाय। भक्तों की धीर बंधाई, पल की न देरी लगाई। नेक कर्म से सज के धर्म से पल में संकट टारा। श्याम जी आ गए, दुखी और निर्धन ने है जब जब इसको पुकारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। जैसी हो जिसकी भावना, पूरी करे है मनोकामना। काम है इसका तो बस दुखियों के